हाय गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट क्लब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक डेट फ्री पेनी स्टॉक जिसमें काफ़ी अच्छी पोटेंशियल नज़र आ रही है। अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं अगर कोई स्टॉक्स को, तो यह स्टॉक आपके लिए बेटर हो सकती है, बेटर प्रॉफिट बनाकर आपको यह दे सकती है और काफ़ी सस्ती भी स्टॉक्स है। तो यह स्टॉक में पोटेंशियल के चांसेस बन रही है, तो इसमें बड़ी प्रॉफिट बनाई जा सकती है। तो गाइस, आइए जानते हैं कौन सा स्टॉक्स है और क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, और थोड़े समय के लिए मैं आपको चार्ट पे भी इसका डिस्कशन करूँगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस जो मैं आपके लिए रेगुलरली लेकर आते रहता हूं वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं। तो गाइस, जिस स्टॉक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है की कॉर्प लिमिटेड। आप देख सकते हैं, अगर बात करें इसकी, तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो है 64 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक देखने को मिला। और यहाँ पे अगर वन डे कैंडल के अनुसार देखें तो इसने आज जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.30% से, यानी कि 4.5% से ये जो है आज पॉजिटिव रहा है। तो गाइस, इस स्टॉक की मार्केट कैप जैसा कि मैं आपको बताऊँ तो मात्र 38 करोड़ रुपीज़ की है, मात्र 38 करोड़ रुपये की इस स्टॉक है। और पी रेशियो भी आप देख सकते हैं 2.45 की देखने को मिल रही है, यानी कि ये काफ़ी अच्छी प्राइस पे स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं थोड़े समय के लिए कि इसका चार्ट क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कंफर्म कराऊं कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं तो क्या इसमें प्रॉफिट्स पहले कर रहे हैं, क्या ये सिनारियो बनाकर अभी तक दे चुका है, प्रॉफिट बनाकर दे चुका है, वो भी देख लेते हैं। तो गाइस, वन ईयर की अगर बात करें तो वन ईयर में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है मैं अभी आपको 25% की रिटर्न्स नज़र आ रही है। लेकिन थोड़े समय के लिए मैं आपको चार्ट पर भी कन्फर्म कराऊँगा क्या रहा है सिनारियो। अगर फाइव ईयर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पोटेंशियल रही है, 355% की रिटर्न्स ये देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो गाइस, काफ़ी अच्छी बन रही है, स्टॉक आपको बेटर प्रॉफिट निकाल कर ये दे सकता है। आइए चार्ट पे देख लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं आपके सामने जो इसका वन मंथ का चार्ट लगा रखा हूं, और आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके जो जब इसकी हाई प्राइस जो काफ़ी पहले के रही थी उस अनुसार यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, और अभी के अनुसार भी अगर देखें तो एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बनता नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस बना और इसको ब्रेक करके अभी अभी इसने लगभग ऊपर क्लोजिंग दी है। तो गाइज लगभग एक कहें तो एक रेसिस्टेंस पे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, और चांसेस गाइज एक रेसिस्टेंस यहाँ तक का देख सकते हैं। तो गाइज 60 to 70 रुपीज़ के आसपास में एक रेसिस्टेंस इसका है, थोड़े समय के लिए इधर ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखेगा। और जिस तरह से ये बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, अगर इसको ये ब्रेक करके निकलता है तो चांसेस आप 90 रुपये का, यानी कि 90 रुपीज़ तक का एक टारगेट रख सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ी चांसेस इसमें मिल सकती है। तो गाइज आप समझ सकते हैं काफ़ी समय से इधर ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से ये अगर डाउन जाना होता तो काफ़ी डाउन आ चुका है। देख सकते हैं कितना हाई बनाकर ये डाउन आया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं नीचे जा पाया। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया 40 का, उससे नीचे नहीं आ पाया। तो गाइस यहाँ से इसने फिर से जो है रिवर्सल बनाना शुरू किया, और यहाँ से फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो चांसेस बन रही है कि ये टारगेट 90 रुपीज़ का जो बन रहा है इसको ये ब्रेक कर सकता है। तो गाइस ये लंबे समय में एक बड़ी प्रॉफिट ये स्टॉक आपको दे सकती है, तो आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए। बड़ी कंसोलिडेशन के बाद इधर से स्टॉक निकली है, तो इसमें पोटेंशियल बनाने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो गाइस आप इसे वॉचलिस्ट में ऐड ज़रूर करें और इसे वॉच करते रहें। आपको जैसे ही पोटेंशियल नज़र आती है जिस तरह से आगे और बढ़ता जाता है, तो आप स्टार्टिंग छोटी छोटी क्वांटिटी से इंटर करते रहें तो बेटर होगा। तो गाइस आप अपनी एनालिसिस के अनुसार ही स्टॉक को बाई करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बस ये नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो लाया हूँ, मैं आपको यहाँ पर कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आपको अपनी एनालिसिस के साथ ही स्टॉक को और रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए ही बाई करना है। चलिए आइए जानते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या रहा है। तो गाइस अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक की, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका फंडामेंटल अगर देखें इस स्टॉक की, तो ये बीएससी में ट्रेड करता है। इस स्टॉक की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 38 करोड़, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गाइस ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट 1986 में हुई, यानी कि 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई। और इस अगर कंपनी की बात करें तो ये व्हीकल फाइनेंस का काम करती है और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये फाइनेंशियल में भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको बड़ी पोटेंशियल नजर आ सकती है आने वाले समय में। प्राइस की बात करें गाइस तो ये 64 रुपीज़ का, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी, अगर देखें गाइस इसकी तो आइज इसकी 52 वीक हाई जो अगर देखें तो 66.1 और 52 वीक लो जो कि 42.8, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे क्लियर करा दिया, काफ़ी समय से कंसोलिडेट किया है। तो गाइस इसमें से पोटेंशियल की उम्मीद नज़र आ रही है। फंडामेंटल को देखें गाइस तो स्टॉक पी अगर देखें तो 2.46 जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, जो कि इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो 26.5 का नज़र आ रहा है। तो गाइस इससे काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक ये नज़र आ रही है, काफ़ी सस्ती स्टॉक देखने को मिल रही है।
बुक वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 78.3 यानी कि बुक वैल्यू से भी नीचे ये प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अंडर वैल्यूड है, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस स्टॉक का डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी जो है कोई डिविडेंड फिलहाल अभी प्रोवाइड नहीं करा रही है। और फेस वैल्यू की बात करें गाइस तो 10 रुपीज़ की नज़र आ रही है, यानी कि इसमें पोटेंशियल बननी तो एक बड़ी स्प्लिट की चांसेस भी इसमें मिल सकती है। तो गाइस एक बड़ी स्टॉक काफ़ी क्लियरली स्प्लिट के चांसेस ये क्लियर करा रहा है, अगर बढ़ती है स्टॉक तो प्राइस के साथ इसमें स्प्लिट के चांसेस और बड़ी प्रॉफिट इसमें मिल सकती है। ROC की बात करें गाइस तो 32.1% और ROE देखे गाइस तो यहाँ पे 32.1%, यानी कि दोनों ही सेम, यानी गाइस मिनिमम 15% ये होनी चाहिए, इससे आपको ऊपर दिख रहा है तो गाइस काफ़ी हद तक ये बेटर दिख रहा है, तो इसमें चांसेस बन रही है इन्वेस्टमेंट की। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें गाइस तो यहाँ पे 69.1% प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो कि काफ़ी समझ में आ रही है गाइस क्योंकि ये काफ़ी सस्ती स्टॉक्स है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के बाद इस स्टॉक जो है अगर देखें तो पेनी स्टॉक में भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं प्रमोटर्स, तो इसमें एक चांसेस बन रही है। FII की बात करें तो फिलहाल कोई इन्वेस्टिंग नहीं नज़र आ रही, और अगर DII की होल्डिंग के देखें तो गाइस 0.02% की DII की होल्डिंग भी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं गाइस ये स्टॉक बेटर निकल कर आ रही है, होल्डिंग काफ़ी अच्छी बनती नज़र आ रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जो है 30.9% की होल्डिंग भी दिख रही है, तो गाइस सभी जगह देखें तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग बन रही है, आने वाले समय में आपको FII के पास भी होल्डिंग देखने को मिल सकती है। कंपनी को गाइस देखें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कंपनी डेट फ्री है, जो कि काफ़ी बेटर है इस स्टॉक के लिए। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 0.07 करोड़ रुपीज़ कैश अवेलेबल है। डिविडेंड इसने पिछले लास्ट ईयर में कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं की थी, और कंपनी इतनी सस्ती होने के बाद भी कोई प्लेस परसेंटेज नहीं आ रही है, यानी कि कंपनी की कोई भी शेयर गिरवी देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी साथ ही साथ देखेगा इस तो प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है, फिलहाल आपको प्रॉफिट ग्रोथ में माइनस नज़र आ रहा है और सेल्स ग्रोथ देखा तो माइनस नज़र आ रहा है, लेकिन गाइस काफ़ी समय से कंसोलिडेशन की वजह से इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह से आगे की ओर पोटेंशियल बनाता है तो इसमें आपको बड़ी क्लियरली डाटा नज़र आ सकती है पॉजिटिव के। तो गाइस आपको इस स्टॉक में फोकस बना कर रखना चाहिए, आप इसे वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, फंडामेंटली काफ़ी लगभग स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है स्टॉक्स, आपको थोड़ा अपना भी एनालिसिस करना है उसके बाद स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। तो गाइस अगर आप इस तरह के वीडियो समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो मैं आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।